तो वहीं अब खबर दमोह से, जहां 3 साल इंतजार के बाद बारीलाल पाकिस्तान से भारत लौट आया है। बारीलाल की वतन वापसी से घर और गांव में खुशी की लहर है। बता दें कि शीशपुर पट्टी गांव के बारीलाल 3 साल पहले भटक कर पाकिस्तान पहुंच गया था। मानसिक रूप से कमजोर बारीलाल आदिवासी गांव से लापता हो गया था। नौटा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद से बारीलाल की तलाशी जारी थी। आखिरकार बारीलाल के पाकिस्तान में होने की खबर आई। प्रदेश शासन ने केंद्रीय शासन से कहा और केंद्र शासन के प्रयासों के 3 साल बाद बारीलाल अपने घर पहुंचाया है। न केवल गांव में, परिवार में इस वक्त खुशी की लहर है। 3 साल बाद वो सही सलामत घर पहुंचाया है। मानसिक स्थिति कमजोर है, जिसके चलते वो गुमशुदा हो गया था। और घर से गायब 2017 से गायब है। फिर बाद में पुलिस द्वारा पता चला कि आपका ये बारीलाल पाकिस्तान में है, शासन के द्वारा आया है वापस। एक ही फोटो वोटू लेके आए। मैं ग्राम कोटवाल हूँ, तो मेरे से पुलिस के सब लोग मिले तो मैंने बताया कि चलो उनसे पूछते, तो सबने पहचान बताई कि यही है बारीलाल। इसके बाद ये कि फिर कार्रवाई होने लगी आने की। नवंबर 2019 में यह यहाँ से पाकिस्तान चला गया था। तब समय उसकी काफ़ी सर्चिंग की गई थी और बड़ा हाईलाइटेड मुद्दा रहा था। बाद में पता चला कि पाकिस्तान चला गया था, तो भारत सरकार के प्रयासों से और जो निरंतर जो कार्रवाई की गई है, अपेक्षित कार्रवाई के उपरांत यह वापस बाघा बॉर्डर पर आया था। हमें अभी हाल ही सूचना प्राप्त हुई थी कि यह पाकिस्तान से बाघा बॉर्डर वापस आ गया है। नियमानुसार कार्रवाई के उपरांत उसके परिजनों को सूचित किया गया, परिजनों के साथ पुलिस कर्मचारी भी गया था और उसको बाघा बॉर्डर से विधिवत जो वहाँ की कार्रवाई संपन्न की जाती है, वो कार्रवाई संपन्न कराने के पश्चात वापस अभी हाल ही में इसको लेके आए हैं।